इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन दरअसल हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है, एक ऐसा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जिसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, हर करेक्टर के और दूसरे करेक्टर के बीच में एक अनइक्वल इंटरवल होता है, यानी जितने भी करेक्टर्स पास हो रहे हैं, एक करेक्टर जो पास हुआ उसके बाद जो अगला करेक्टर आया उनके बीच में जो टाइम का वक्फा है वो अनइक्वल होता है। यानी मिसाल के तौर पे जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, जाहिरी सी बात है उस डेटा में हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स होंगे। ऐसा कि अगर आप किसी को एक मैसेज भेज रहे हैं हेलो का, तो इसके अंदर हमारे पास ये 5 करेक्टर्स हैं। अब जब ये करेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे तो हर करेक्टर और एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के बीच में एक टाइम इंटरवल होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ओ के बाद सबसे पहले ओ पहुंचेगा, ओ के बाद एल पहुंचेगा, तो ओ और एल के बीच में एक वक्फा आएगा। ये जो वक्फा होगा ये तमाम करेक्टर्स में अनइक्वल होगा, यानी ओ और एल के बीच में अगर 1 सेकेंड का वक्फा है तो एल और एल के बीच में 3 सेकेंड्स का वक्फा होगा, यानी डिफरेंट करेक्टर्स के बीच में जो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। इस तरह की ट्रांसमिशन को एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं, बल्कि इसके लिए एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो चीज़ हमने समझनी है वो है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दोनों में एक ही फर्क है जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं एक ऐसी ट्रांसमिशन, इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है लेकिन करेक्टर्स के बीच में टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल होता है। यानी हमने वही एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट सपोज आपने ये करेक्टर्स भेजने हैं किसी अपने दोस्त को, ये मैसेज आपने भेजना है, तो एक करेक्टर और दूसरे करेक्टर के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो लेट सपोज 1 सेकेंड है, तो इस एल करेक्टर और इस एल करेक्टर के बीच में भी जो टाइम इंटरवल होगा वो भी 1 सेकेंड होगा। यानी जितने भी करेक्टर्स हैं इनके बीच में जो इनका वक्फा है वो दरअसल 1 सेकेंड का होगा। और एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो क्लॉक सिग्नल पे काम करता है। यानी कि क्लॉक सिग्नल हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो कि रिसीविंग एंड पे होता है, जो रिसीव कर रही होती है डिवाइस वहाँ पे क्लॉक सिग्नल होता है। क्लॉक सिग्नल से जब ऑन होता है तो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है, क्लॉक सिग्नल जब ऑफ होता है तो ट्रांसमिशन रुक जाती है। तो जितने भी करेक्टर्स हैं, क्लॉक सिग्नल जैसे ही ऑन होता है जितने भी करेक्टर्स हैं ये आपस में, एक वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ये आपस में सिंक हो जाते हैं। सिंक का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे, एक करेक्टर दूसरा करेक्टर जो है ये एक बराबर इंटरवल के साथ ट्रैवल करते हैं, यानी एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के बीच में बराबर टाइम इंटरवल होता है। अब ये हमने इसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में को अभी हमने डिफाइन कर लिया है, और हम दोनों को हम लोगों को इसमें फ़र्क भी पता चल गया है कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम इसको मज़ीद डिटेल में डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे एक है सेंडर, जो कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास एक है रिसीवर, जो भी हमारे पास, ये भी कोई कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। अब सेंडर जो है यहाँ पे डाटा सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपको यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं करेक्टर्स को। जैसे यहाँ पे ए एक करेक्टर है, इसी तरह ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये दरअसल इस करेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी का, और इस करेक्टर को हम नाम दे देते हैं सी का। तो हमारे पास 3 करेक्टर्स हैं, ए बी और सी, और ये जो 1 0 में लिखा हुआ है ये दरअसल इनकी बाइनरी फॉर्म है। तो ये दरअसल ए की बाइनरी फॉर्म है, ये बी की बाइनरी फॉर्म है, और ये सी की बाइनरी फॉर्म है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बी करेक्टर है, हम इसका एनालिसिस करते हैं। बी करेक्टर जो है इसके अंदर जो आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ये दरअसल बी की बाइनरी फॉर्म है, लेकिन आपको इसके स्टार्ट में एक और बिट नज़र आ रही है 0, ये इसकी स्टार्ट बिट है, और एक बिट जो आपको इसके आखिर में नज़र आ रही है 1, ये दरअसल इसकी स्टॉप बिट है। तो इसमें हमने स्टार्ट और स्टॉप बिट
क्यों यहाँ पे ऐड की हैं, वो हमने इसलिए ऐड की हैं कि जब एक करेक्टर मुकम्मल ट्रांसमिट हो जाता है तो जब अगले करेक्टर ने ट्रांसमिट होना होता है तो वहाँ पे रिसीवर एंड पे उसको यहाँ पे उसने इस नेक्स्ट करेक्टर की को पहचानना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि अब नेक्स्ट करेक्टर जो है वो अब आने वाला है, तो हम क्या करते हैं उस नेक्स्ट करेक्टर के बिल्कुल स्टार्ट में जीरो बिट लगा देते हैं। तो अगर नेक्स्ट करेक्टर के स्टार्ट में जीरो बिट लगाने से मतलब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से अब ये करेक्टर ट्रांसमिट होगा, और उसके एंड में हम वन बिट लगा देते हैं जिससे पता चल जाता है कि अब ये करेक्टर मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट हो चुका है। उसके बाद जब अगला करेक्टर आने वाला होगा, जैसे नेक्स्ट करेक्टर ए ने ट्रांसमिट होना है, तो उसकी स्टार्ट बिट भी आप देखें यहाँ पे क्या है, वो जीरो है। और यहाँ पे आप देखें जो सी करेक्टर है ये ट्रांसमिट हो चुका है, और इसके एंड बिट जो है वो क्या है, इसकी स्टॉप बिट है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट लगाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एक करेक्टर अब मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट हो गया है और अब उस एक अगले करेक्टर ने आना है। अब आपने इस डायग्राम में एक और चीज़ नोट की है कि जो सी करेक्टर है और जो बी करेक्टर है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि बी करेक्टर और ए करेक्टर के बीच में डिस्टेंस कम है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये दरअसल टाइम को शो कर रहा है, यानी यहाँ पे सी और बी के बीच में जो टाइम इंटरवल है, लेट सपोज हम उसको नाम दे देते हैं 2 सेकेंड्स का, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, वरना टाइम इससे भी कम होता है काफ़ी। और जो उसके साथ जो दूसरा करेक्टर ए, ए और बी के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास है 1 सेकेंड का। तो अब आप देखें कि इसको कहते हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक करेक्टर सी ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद अगला करेक्टर ट्रांसमिट हुआ, अब इन दोनों के दरमियान एक वक्फा आया, ये वक्फा कितना था 2 सेकेंड्स का। उसके बाद बी ट्रांसमिट हुआ, नेक्स्ट ए ने ट्रांसमिट होना है, तो इनके दरमियान में भी एक ब्रेक आया, एक वक्फा आया, वो कितना है 1 सेकेंड। तो ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसे कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स इसकी जो है वो ये है कि हमें वो तमाम कम्युनिकेशन जहाँ पे हमें रिसीवर एंड से एकदम रिस्पांस नहीं चाहिए होता, बल्कि हम अपना डाटा सेंड कर देते हैं और रिसीवर जो है उसको अपनी मर्जी से उसको ओपन करके चेक कर सकता है। ऐसे इसकी एक एग्जाम्पल है ईमेल की, ऐसे अगर आप अपने दोस्त को ईमेल कर रहे हैं तो वो ईमेल जो है वो आपकी ईमेल ट्रांसमिट हो जाएगी और रिसीवर जो है वो उसमें फौरन रिस्पांस नहीं देगा, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसका जवाब दे सकता है। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर हमें एकदम रिसीवर की तरफ से रिस्पांस नहीं चाहिए होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी ट्रांसमिशन थी जो कि है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर एंड पे यहाँ पे ये डिफरेंट करेक्टर्स हैं ए बी सी डी और ई। अब ये 5 करेक्टर्स ट्रांसमिट करने हैं। अब पहला करेक्टर ई ट्रांसमिट होगा रिसीवर एंड पे, लेकिन रिसीवर एंड पे यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक सिग्नल जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि अब सेंडर जो है वहाँ से डाटा भेज सकता है। तो जैसे ही यहाँ से क्लॉक सिग्नल ऑन हो जाएगा तो करेक्टर्स की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसी क्लॉक सिग्नल ऑन होगा तो जितने भी करेक्टर्स हैं ये आपस में सिंक हो जाएंगे। सिंक का मतलब क्या है कि तमाम करेक्टर्स के बीच का जो इंटरवल है वो बराबर हो जाएगा। तो पहले ई ट्रांसमिट होगा, ई के बाद डी ट्रांसमिट होगा, तो ई और डी के बीच में जो ब्रेक है, जो वक्फा है, वो लेट सपोज हम मान लेते हैं 1 सेकेंड का है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर ट्रांसमिट होना है सी ने, तो सी और डी के बीच का जो वक्फा होगा वो भी कितना होगा 1 सेकेंड का होगा। यानी इसके अंदर क्या, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसके अंदर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है, यानी जो टाइम इंटरवल है करेक्टर्स के बीच का वो इक्वल इंटरवल होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमें रिसीवर से फौरी रिस्पांस चाहिए होता है, फौरी जवाब चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप किसी से स्काइप पे बात कर रहे हैं या किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो आपका जितना भी डाटा है वो सिंक्रोनसली एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहा है। तो पहली एग्जांपल जो हमने स्काइप की बात की तो उसके अंदर आपके तमाम डाटा जो है वो रिसीवर एंड पे पहुंच रहा है और रिसीवर उसको मुसलसल रिसीव कर रहा है, और रिसीवर जो है वो आपको फौरन इस बात का पता चल रहा है कि रिसीवर तक आपका डाटा पहुंच रहा है। तो ये एक एग्जांपल है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है
और हमने पढ़ा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में और उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी। आगे चल के हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है, इन दोनों में से कौन सी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी बेहतर है, और इसका हम आगे चल के कंपैरिजन करेंगे।